50, 100, 500 से लेकर 2000 के नोटों की कई गड्डियां, सोने का बना मोर पंख और मुकुट, सिक्के इतने कि गिनने में कई दिन लग जाएंगे। बाकायदा नोटों को गिनने के लिए तो मशीन लगानी पड़ रही है। ये शिरडी के साईं दरबार में भक्तों की आस्था है कि यहाँ चढ़ावे में धन की बारिश हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी साईं के भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। साईं मंदिर प्रशासन के मुताबिक साल 2022 में साईं मंदिर में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आया है, मतलब औसतन हर दिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई मन्नत पूरी होने पर मत्था टेकने आता है, और भक्त अपनी हैसियत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाता है। कोरोना काल के 2 साल को छोड़ दिया जाए तो साईं के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। इस बार भी साल के आखिरी 6 दिन में ही 17,81,00,000 रुपए का दान मिला है। साई मंदिर के खजाने में करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा पड़ी है, क्योंकि साई संस्थान का विदेशी मुद्रा खाता लाइसेंस रिन्यूअल पेंडिंग है। बताया जा रहा है कि विदेशी करेंसी के तौर पर भी सालाना 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र के शिरडी साई संस्थान की स्थापना को करीब 100 साल पूरे हो गए हैं, और हर साल यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। टी न्यूज नेशन। और यहाँ